लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज राजनीतिक जगत से कई बड़ी खबरें हैं। भारी हंगामे के बीच बिहार विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधान परिषद में भी हाथापाई की नौबत। भिड़ गए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता। सीएम नीतीश ने तेजस्वी पर साधा निशाना तो तेजस्वी ने भी किया पलटवार। बोले, मेरा नाम तेजस्वी यादव है। पप्पू यादव ने भी नीतीश सरकार को घेरा। आगे बताएंगे, मुजफ्फरपुर में एक शख्स की संदिग्ध मौत। और अंगिका एवेंजर्स को हराकर भागलपुर बुल्स पहुंचा सेमीफाइनल में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात विधानमंडल की। भारी हंगामे के साथ ही बिहार विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। परिषद के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फोटो खिंचवाई। 19 फरवरी से शुरू सत्र 24 मार्च तक चला। इस दौरान कई विधेयक पास किए गए, वहीं कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सत्र के अंतिम दो दिन काफी हंगामा हुआ। मंगलवार को विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक को लेकर जमकर हंगामा किया गया। लोकतंत्र को शर्मनाक करने वाली घटना देखने को मिली। विधानसभा में जमकर मारपीट हुई, कार्यवाही नहीं चलने दी गई। वहीं विधान परिषद में भी आज जमकर हंगामा हुआ। पुलिस विधेयक को लेकर विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी भयंकर बवाल हो गया। राजद पार्षदों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद देखते देखते एक दूसरे से भिड़ गए। माहौल इतना टाइट हो गया कि गाली गलौज और हाथापाई की नौबत फिर से आ गई। राजद एमएलसी सुबोध राय बीच में खड़े होकर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायकों को सदन में मारा पीटा गया है, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और संजय सिंह भी खड़े हो गए और कहा कि राजद सदस्य शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्ष में तेज बहस शुरू हो गई। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी अपनी सीट पर खड़े हुए और बोलने लगे। बिना विपक्ष के विधानसभा की कार्यवाही चली। वहीं दूसरी तरफ बाहर विपक्ष विधायकों ने समानांतर सत्र चलाया। उन्होंने विधानसभा में अपने उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार भूदेव चौधरी को अध्यक्ष चुन लिया है। साथ ही आगे मुख्यमंत्री चुनने की भी बात कही। काली पट्टी बांधकर विधानसभा परिसर में विधायकों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। विरोध प्रदर्शन कर रहे विधायकों के हाथों में तख्तियां थी। इन तख्तियों पर नीतीश सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को निशाने पर लिया। मंगलवार को विधानसभा परिसर में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि कल सदन में जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं था। पता नहीं कैसी मानसिकता है और विपक्ष क्या करना चाहता है, कौन उन्हें गाइड कर रहा है, सुझाव दे रहा है। विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लेना, उनके आसन को घेर लेना, ये कैसा व्यवहार है। बिहार में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बिहार पुलिस के अधिनियम का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कानून कोई भी बनाता है, उस पर चर्चा होती है, लेकिन आखिरी समय में ऐसा क्यों हुआ यह समझ से परे है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को पता होना चाहिए कि सरकारें बदलती हैं। कल विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और मारपीट की गई। अगर नीतीश कुमार ने इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी तो हम शेष 5 साल के लिए विधानसभा का बहिष्कार कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि निर्लज कुमार ने शर्म खो दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है, मगर वे चुप्पी साधे हुए हैं। अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बन ज्यादती करवा रहे हैं और विधायकों को पिटवा रहे हैं। वे जान ले कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है, मैं विधायकों की पिटाई को नहीं भूलूंगा। सदन में विपक्षी विधायकों की हुई पिटाई को लेकर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह घटना इतिहास के काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी। जब जनता के प्रतिनिधि ही पीटे जा रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा। पुलिस आम आदमी को बिना किसी अपराध के मारेगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस घटना को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने बंदूक के बल पर जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने की कोशिश की है। सदन में विधायकों को लात से मारा गया है, महिला जनप्रतिनिधियों को घसीटा गया, यह कैसा लोकतंत्र है।
आर्ट ब्लॉक गोलंबर से जीपीओ गोलंबर को जोड़ने वाला फ्लाईओवर अब तैयार हो गया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करेंगे। इसके चालू होते ही कंकड़बाग के चरैया टार करबिगहिया से विधानसभा और वीरचंद पटेल पथ की कनेक्टिविटी एलिवेटेड हो जाएगी। मतलब हार्डिंग पार्क के सामने उतरने वाले हिस्से को तोड़कर बन रहा फ्लाईओवर तैयार है, वह भी बिना रोड लाइट स्पीड ब्रेकर के। फ्लाईओवर के इस नए रास्ते के ऑपरेशनल हो जाने पर कंकड़बाग इलाके से आने वाले लोगों को सचिवालय, सोन भवन, इनकम टैक्स, बीएसएनएल ऑफिस, आवास बोर्ड, निर्वाचन आयोग और अन्य सरकारी कार्यालयों में आने जाने में बहुत आसानी होगी। मुजफ्फरपुर में अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। घटना सरैया थाना के रेवा सहिलापट्टी गांव की है, जहां किशोर सहनी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ग्रामीणों में इस बात की चर्चा है कि किशोर सहनी पास के गांव में एक शराब भट्टी पर गया था, वहां से ही लौटने के बाद किशोर सहनी की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव के पास ही एक ताड़ी दुकान पर गया था। इस दौरान वह बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे आनंद फानन में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि अब तक मौत के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है, मामले की छानबीन जारी है। बिहार क्रिकेट लीग में अंगिका एवेंजर्स को 44 रनों से हराकर भागलपुर बुल्स सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भागलपुर बुल्स के लिए मोहम्मद रहमतुल्लाह ने नाबाद 68 रनों की पारी खेली, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दरभंगा डायमंड्स और अंगिका एवेंजर्स पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। आज टॉस जीतने के बाद अंगिका एवेंजर्स ने पहले भागलपुर बुल्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भागलपुर बुल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही, उसका पहला विकेट महज 8 रन पर गिर गया। दूसरा और तीसरा झटका भी जल्द लगा, हालांकि इसके बाद विकेट नहीं गिरे और 3 विकेट खोकर 190 रन बनाए। वहीं अंगिका एवेंजर्स को 191 रनों का लक्ष्य दिया गया था, जबकि अंगिका एवेंजर्स ने 9 विकेट खोकर महज 146 रन ही बनाए। इसी तरह भागलपुर बुल्स ने 44 रनों के साथ मैच को अपने नाम कर लिया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।